हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? तो फ्रेंड्स, अभी सुबह के आपको मैं बताती हूँ कितने बज चुके हैं, वो मैं आप लोग को दिखा दे रही हूँ। लेकिन आप लोग ये मत समझिए कि सूरज भगवान ही चमक रहे हैं, मेरा कैमरा का फ्लैश लाइट होता है वही शीशा पे चमक रहा था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे 5:05 हो चुके हैं, वो आप लोग देख लिए। तो मैं सुबह सुबह अपना मॉर्निंग के शुरुआत गर्म पानी के साथ करती हूँ और साथ में लेमन भी लेती हूँ। तो मैं पानी पीने के बाद किचन में जाऊंगी और बच्चे के लिए, अपने लिए मैं ब्रेकफास्ट बना लूंगी। उसके बाद मेरा घर का क्लीनिंग होगा, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा जो भी करना होता है सारा काम कर लेती हूं। उसी के बाद मैं स्नान करती हूं, क्योंकि झाड़ू पोछा लगाने से मुझे लगता है कि डस्ट मेरे में भी जहाँ तहाँ आ गया। तो मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा काम समाप्त कर लेती हूँ, उसके बाद ही स्नान करती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा का सारा काम हो गया है और मैं स्नान कर चुकी हूँ और इसके बाद आप सबसे मिल रही हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा यहाँ पे थोड़ा बहुत बेर इधर उधर बच्चे ने कर दिया है, क्योंकि बच्चे को ऑनलाइन क्लास हो रहे थे तो वहीं बैठ के ये लोग पढ़ रहा था, तो बच्चे इधर से उधर कर देते हैं। आप कितने अच्छे से बेड बिछा लो पर बच्चे बहुत से तानियाँ करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं इसको ठीक कर रही हूँ और यहाँ पे मेरा बेड ठीक हो जाएगा। तो आज मुझे बहुत काम है, क्योंकि मेरा जो भी अलमीरा पॉलिश हुआ था उसमें मैं अपना कपड़ा को सेट नहीं की थी, तो आज मैं अपना कपड़ा उसमें सेट कर लूँगी। और मैं अपना कपड़ा सेट आज करने जा रही हूँ, क्योंकि रोज़ सोचते हैं नहीं कर पाते हैं। तो मेरा इधर कपड़ा में भी डस्ट भर रहा है और जगह भी अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, तो जहाँ जिसका जगह है वहीं पे सेट कर दो। तो आज मेरा कपड़ा अलमीरा में हो जाएगा सेट, तो मैं फ्री हो जाऊँगी। और घर में भी बहुत ज़्यादा काम रहते हैं, क्योंकि हम हाउसवाइफ का तो यही काम है, घर संभालो, बच्चे संभालो। तो मैं अपना जल्दी से काम यहीं पे समाप्त कर लूँगी। और तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग के लिए आज बहुत छोटा सा ही वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि मेरा छोटा ही वीडियो है। तो आप लोग मेरा वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, अगर आप फुल वॉच करते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मेरा नीचे का काम समाप्त हो चुका है, तो अब शाम के 5 बज चुके हैं, तो मैं ऊपर घूमने यहाँ पे आ गई हूँ, क्योंकि शाम में डेली मैं ऊपर छत पे घूमती हूँ। नहीं घूमने के कारण मेरा थोड़ा सा हेल्थ ज़्यादा ही हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि शाम में शाम मैं घूम लूँगी, क्योंकि कोरोना काल में हम लोग घर में बंद रह के अपने हेल्थ को अच्छे से ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ पे मैं पूजा के लिए अलमीरा बनाई थी, सॉरी, पूजा के लिए मैं मंदिर बनाई थी। तो मेरा मंदिर में यहाँ पे भगवान जी का फ़ोटो कम लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लक्ष्मी जी, गणेश जी को मैं रखी हूँ। और मैं जाऊँगी मार्केट तो अच्छे अच्छे फ़ोटो लेके आऊँगी और भगवान जी को मैं रखूँगी और सामान भी कुछ कुछ लाऊँगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा बन्नी किस तरह से फुदक रहा है, फुदक फुदक के घूम रहा है, क्योंकि बन्नी के घूमने के लिए छत पे ही सबसे अच्छा जगह होता है। तो मैं भी इसे मिलने चली आती हूँ शाम में, और बन्नी भी देखिए कितना फुदक रहा है। तो मेरा छत का काम समाप्त हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ अपने प्यारा सा गार्डन में। तो देख सकते हैं मेरा मिर्ची किस तरह से फैला हुआ है, मेरा मिर्ची फरा हुआ है। और ये लेमन का ट्री है जो बड़ा हो गया है, ये करी पत्ता है तो ये भी हरा भरा है। और यहाँ कुछ प्लांट्स हैं, तो इसमें मैं शाम में पानी देती हूँ।
तो आप यहाँ ये तुलसी जी हैं और ये कुछ पेड़ पौधे हैं, स्नेक प्लांट्स हैं, और ये है सदाबहार। तो यहाँ पे हम लोग पानी देने के लिए नीचे उतरते हैं और मेरा पानी यहाँ पे देना हो गया है। और साथ में मैं ये देख रहे हैं आप, अपराजिता का ट्री था जिसे मैं ऊपर की ओर चढ़ाई थी। ये अपराजिता का ट्री है जो मैं ऊपर इसको बांध दी, उसमें ये नीले नीले फूल खिलते हैं। तो मैं इसे स्प्रे बोतल से अच्छी तरह से पत्ते को भी भिंगा रही थी क्योंकि पत्ते भी हरे भरे होना चाहिए ना। तो यहाँ पे शाम हो गया है और शाम के खाना में आज मैं बनाई हूँ, ये आज मैं सत्तू का लिट्टी बनाई हूँ। तो बिहार में फेमस ही है सत्तू का लिट्टी, तो आज मेरा सत्तू का लिट्टी यहाँ पे बनने जा रहा है। तो लिट्टी के साथ कुछ मैं बनाती हूँ, चोखा बैंगन का हो या चटनी हो, कुछ भी बनाती हूँ साथ में। लेकिन आज मुझे बैंगन नहीं मिल पाया तो मैं आज काली चना और आलू दोनों को मिक्स करके ग्रेवी वाला सब्जी को तैयार कर लिया है। और लिट्टी के साथ हमारा सब्जी क्या छोले टाइप से जो काले चने होते हैं उसी का मैं बनाई थी। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना ब्लॉग यहीं एंड करने जा रही हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।